तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यस, आपने इतना अच्छा कलेक्शन लगाया है यहाँ पे। थैंक यू। विद्या जी को बुलाया। थैंक यू वेरी मच। विद्या जी आई और अब सवाल मैं विद्या जी से ये पूछूंगा कि विद्या जी, मैंने आपको कई जगह अजमेर में देखा है, जयपुर में देखा है, श्रीनगर में भी शायद देखा, आपको कहाँ का कलेक्शन ज्यादा पसंद? वो कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी वैरायटी है हमारे देश में। मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ पर फैब्रिक्स में फ़र्क है, काम में फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से मैं हर जगह की साड़ी पसंद करती हूँ। और जब से मैं गौरांग और मीरा जी और बापादित्य के से मिली, उन सभी की साड़ियाँ मैं बहुत पहनती हूँ क्योंकि वो हैंड वोवन हैं, जिसमें हाथ का काम हो वो ज़्यादा मुझे पसंद है, हैंडलूम जिसे कहते हैं। तो हर जगह की साड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जामनगर है, गुजरात है, अहमदाबाद है, वहाँ की जो बंदेज होती है या लहरिया होता है, लहरिया पहले पहना जाता था, मैं समझता हूँ, मैंने वैजन की माला को चेन्नई में भेजा था। नहीं, मैंने एक्चुअली लहरिया पहना है। पहना है? नहीं, पहना है। पहना है। अब अगर आप याद दिला रहे हैं तो मैं फिर से पहनूंगी लहरिया बिकॉज मैंने पहना है पहले। मैं जामनगर का लहरिया आपको भेजूंगा। क्या बात है, पिंक कलर में भेजिएगा। ब्राउन एंड पिंक। या ब्राउन एंड पिंक, ब्राउन एंड पिंक फेवरेट। आपके कलेक्शन में दूसरों से हट के अलग क्या है मैडम? अलग ये है कि मैं करीब 25 साल से महेश्वर और चंदेरी में काम कर रही हूँ बुनकर के साथ। ओके, गौरंग हैज़ बिन वर्किंग सिंस 17 years फ्रॉम विद द वीवर्स ऑफ कांजीवरम, ओपाड़ा, बनारस, कोटा। और बापा आदित्य जो नहीं है, अभी कल सुबह आने वाले हैं, वो काम करते हैं बंगाल के वीवर्स, उनके करीब 700-800 लूम है, वीवर्स है। तो खूबी ये है कि इतने सालों से हम शुरुआत से, जब हमारे दिमाग में कोई डिज़ाइन बैठती है तो तब से हम सोचते हैं कि कौन सा यार्न डालेंगे, कौन सा कलर डालेंगे, कौन सी डिज़ाइन डालेंगे, किस बुनकर, किस वीवर को वो चीज़ देंगे। और उस समय से लेके कस्टमर तक सभी चीज़ हमारे कंट्रोल में है। जब मैं बताती हूँ कंट्रोल, यानी कि जो हम चाहते हैं हम वो करते हैं और कस्टमर को भी एक्सप्लेन करना हमारा काम है। ऐसी बात नहीं कि हम एक चीज़ यानी प्रोडक्शन को लेके या डिज़ाइन को लेके फिर और किसी के हाथ में सौंप देते हैं। हम ए टू जेड सब हम कवर करते हैं। ये काम में आपको आपकी डॉक्टर साथ देती है? आपको आपकी जो डॉक्टर है वो कभी कभी देती है साथ, जब जरूर। क्रिएटिव बच्चों का यही है ना कि सब कुछ करना होता है, सब उनका अपना भी काम है। ये दो तीन डिजाइन देखी जिसके प्राइस 70,000 या 80,000 है। हाँ हाँ जी। आपको नहीं लगता कि आज के दौर की जो महंगाई है, इतनी महंगाई है कि मिडिल क्लास की जो लेडी है वो ये लेने से पहले 10 दफा सोचेगी? वो ये नहीं ले सकेगी, लेकिन दूसरा आइटम है ना हमारे पास, हमारे नहीं, ये चीज हमको कम रेट में बनी नहीं सकता है क्योंकि इसका टाइम प्रोसेस ही इतना है। बात सही है, लेकिन दिल का तो कोई भरोसा नहीं, दिल किस पे आ जाए? नहीं, बट मैं आप इच्छा तो हमको भी बहुत चीज की है। दिल 10 रुपए वाली चीज पे भी आ सकता है, और दिल नहीं मानेगा तो 10,000 का भी मैं नहीं लूंगा। बराबर है, दिल की बड़ी बात बराबर है, 100%। नहीं पर आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपको कम प्राइस वाली चाहिए तो शायद वो हाथ से बना हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कारीगर जो है हाथ से बनाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं, तो इस वजह से ये महंगा होता है। वेजेस, हाँ, उनको वेजेस देना पड़ता है। मैंने जो बनती है ना, बिल्कुल मेरे घर के करीब ही सब हाथ का काम होता है, और रंगाटों का काम होता है, जो रंगते हैं और रंगने के बाद उसको सुखाने के लिए 1 महीना लगता है, जो प्योर बंदेज होता है वो, और जिसकी कीमत वहाँ पे कम से कम 1.5-2 लाख की होती है। सही है, हम वही आज जब क्वालिटी, मैं राजकोट की हूँ। राजकोट ना? हाँ जी, गुजराती इज ऑलवेज फाइन देयर।
नेबर्स। तो आपने एक बात याद दिलाऊं, आज से 55 बरस पहले राज कपूर साहब आए थे पृथ्वीराज कपूर के साथ में अपने नाटक को लेके। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से एक बंदेज ली थी और तब बंदेज की कीमत मुश्किल से 100 रुपया होती थी। 100 रुपया उस टाइम में बहुत बड़ा था, लेकिन वो साड़ी उन्होंने नरगिस जी के लिए ली। अच्छा। और हमारी दुकान से ली। वेरी गुड। और आप खासियत पूछ रहे थे ना जी, आई थिंक इन दोनों के, जैसे मैंने कहा इनकी साड़ियाँ मैं बहुत पहनती हूँ, इसमें एक मॉडर्न एलिमेंट है। yes. साड़ी ट्रेडिशनल है और ये उस ट्रेडिशन को बरकरार रख रहे हैं, पर मॉडर्न एलिमेंट्स यूज करते हैं, मॉडर्न उसको कंटेम्पोराइज कर देते हैं। हाँ, हम लोग। हाँ, तो यही खासियत है, टेक्निक ट्रेडिशनल रहती है। तो क्या होता है कि आजकल यू नो छोटी उम्र की लड़कियां भी ये साड़ियां पहन सकती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में, यू नो सबको साड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है इस तरह की साड़ियों की वजह से। लेकिन आप और रेखा जी जो साड़ी पहनती हो वो बिल्कुल अलग है। हाँ, अलग ही है। अलग है। बंगाल से नहीं है, मैं साउथ की हूँ, केरला की हूँ, यहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई और मैं बंगाल को अपना दूसरा घर मानती हूँ। बनारसी साड़ी जो है काफ़ी वेटेड होती है, कांजीवरम भी बहुत हैवी होती है, पर वजन रहता है लेकिन सॉफ्ट रहता है और फॉल बहुत फॉल अच्छा होता है। जितना साड़ी का वजन ज्यादा हो वो फॉल ज्यादा करेगा, अगर हल्का रहेगा साड़ी तो इट विल फ्लफ अप। मैं पहली बार जब मैंने गौरांग की एक कांजीवरम पहना था, मैंने गौरांग ने जो बनाया था, तो वो बहुत भारी लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि ये बहुत भारी लगेगा, फॉल अच्छा नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करके देखना, मैंने ट्राई किया और इतनी खूबसूरत कांजीवरम मैंने उससे पहले नहीं पहनी कभी। हाय, I think I'm very excited to say the least. We start shooting next month and that's all I'm allowed to say because Shujoy Ghosh will slit my throat otherwise. But yes, it's, I'm looking forward to shooting again for Kahani with Shujoy. You've already shot for Teen. Yeah, we shot for Teen, but in Teen I have a special appearance. But it was still fun, to, you know, because Shujoy produced the film. I went back to Kolkata for the shoot. And the team was more or less the same. Ribhu is a very interesting director. And of course, Mr. Bachchan and Nawaz. So it was a good team. And now I think that was some sort of a preparation for me to get back into Kahani. Well, Vidya, we've always seen you wearing a sari. But if I would, like, you know, if I would ask that apart from you, which Bollywood actress do you like seeing in a sari? I think every woman looks gorgeous in a sari and every actress therefore does. But you know, there are a lot of yesteryear actresses. Like, I thought Rakhi ji wore some beautiful saris. Yes. And of course, Rekha ji still does. But also Shabana Azmi. I think these women really wore very different and saris that I've always watched in films and thought that, oh, you know, I should wear saris like them. They carried it off beautifully. Thank you very much. Thank you. हाँ, मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, देश भर की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मैं जगह जगह जाती हूँ तो हर जगह से साड़ी
लेती हुई आती हूँ. और गौरांग शाह और मीरा सागर के साथ मैंने मतलब बहुत कोलैबोरेट किया है. उनकी साड़ियाँ पहनती हूँ अक्सर और उनकी यही खासियत है कि एक जो काम है वो ट्रेडिशनल है पर डिज़ाइंस जो है मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है. तो मेरे ख्याल से हर उम्र की लड़की या औरत उनकी साड़ियाँ पहन सकती है. तो मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ सारी साड़ियाँ देखने. और क्या जानना चाहते हैं? शॉपिंग की आपने कुछ लिया? नहीं, अभी तो देखना बाकी है. पहले तो आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, अब मैं देखूँगी. और यहाँ से तो देखने से लगता है कि हर तरह की साड़ी है, सिल्क है, कॉटन है. हाँ, किस तरह की साड़ी आपको पसंद है? आई लव कॉटन साड़ीज बट सिल्क भी मैं पहनती हूँ. एक्चुअली हमारे वेदर में सिल्क पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अदरवाइज सिल्क साड़ीज आर ब्यूटीफुल टू. मैम, फिल्म इंडस्ट्री में रेखा मैम के बाद ज़्यादातर साड़ियों में आप नज़र आती हैं और लड़कियाँ भी अब साड़ियाँ पहनना शुरू कर रही हैं क्योंकि आप पहनती हैं. तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा. हाँ, आई थिंक साड़ी में हर लड़की अच्छी लगती है, हर औरत अच्छी लगती है. और ये हमारे यू नो इट्स अ नेशनल ड्रेस, तो हम सभी को पहनना चाहिए. हर मूड के लिए, हर ओकेजन के लिए अलग अलग तरह की साड़ियाँ मिलती हैं, अलग अलग रंगों में मिलती हैं, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. और ऐसा कोई भी नहीं जो साड़ी में अच्छा ना लगे. साड़ी जो आपको याद आती है, जो कोई पुरानी साड़ी जो आपकी हमेशा फेवरेट रही हो, आपकी मम्मी की साड़ी जो आप चाहती हैं ये मेरे ये मैं पहनूँ, आप बचपन की कोई याद है आपको भी याद आती है? मैं बचपन में मैं अपनी मम्मी की साड़ियाँ पहनती थी कभी कभी. एक्चुअली मैं दुपट्टे ओढ़ लिया करती थी ताकि वो, मैं बहुत छोटी थी पर तब से साड़ियों का शौक है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.